राम राम। समय हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसेस रिएक्शन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं लियो मूवी फुल सीन रिएक्शन, और हमने पहला सीन देखा था जिसमें थलापति विजय सर की एंट्री दिखा दी गई है, और अभी उसका पार्ट टू है, तो देखते हैं इस सीन में क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वापस अपने कैफे। क्या हुआ भैया, आपने मुझसे इतनी जल्दी में शर्ट क्यों मंगवाई? रफू करा के लेकर। अरे इसमें तो खून लगा हुआ है। रफू कराओ, रफू। बैक टू वर्क। पीछे इतना बड़ा पंजा लगा हुआ है। इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? थर्मोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम लगता है सर, सर्विस करने के लिए बुलाए हैं सर, आज आ जाएंगे। डिलीवरी के लिए सारा केक तैयार है सर। ओके भेज दो क्या सर? मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। बुरी तरह फटी है कि सिलने में नहीं आ रही। तुम्हारी दीदी ने ये शर्ट कौन सी दुकान से खरीदी थी पता है? नहीं पता। अब मुझे फाड़ेगी। बहुत डरते हैं अभी बीवी से। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला, और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत और कोई चेक पोस्ट भी पार मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे पकड़े जाओ। मैं कुछ करता हूँ तब तक। अबे पैसे नहीं हमारे पास, यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा ना। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम तुझ पे भरोसा करके यहाँ पर आए हैं और तू वहाँ बैठ कर हुक्म दे रहा है। बिना पैसे के हम कहीं नहीं जा सकते। देख तू कुछ भी कर और पैसे भेज। अरे यार हालात को समझो, कलेक्टर के मरने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। एक हफ्ता जाएगा मामला ठंडा होने में, उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी देख क्या रहा है, गाड़ी चला। क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं इनका। अभी तक तैयार नहीं हुई। वो अच्छा शर्ट की वजह से गुस्सा, वो चॉकलेट गिर गई थी इसलिए धोने डाली है। एक्चुअली वो खास एनिवर्सरी के लिए मैंने प्यार से वो शर्ट लाई थी, लेकिन तुमने तो शर्ट और मूड दोनों खराब कर दिया। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जितना भी मुझे बहलाओ फुसलाओ, मेरे पैर पड़ो, मेरा गुस्सा नहीं कम होने वाला, और प्लान भी चेंज नहीं होगा। कोई ध्यान नहीं देगा। गुस्सा करना मेरे को। मेरी सांसों में जागे ओ, तेरी सांसों के धागे ओ, हर नशा हर दिशा तू है, ये तेरा ही जादू है।
छुट्टी दिलाने के लिए इतना झूठ। आप कौन? अडॉप्ट कर लिया, हमने पाल लिया उसको। दुकान लेफ्ट या राइट? वो वाली भाई। भाई, दुकान में कोई नहीं है, सब लोग कभी आएंगे? सब लोग 6 बजे के बाद आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। एकदम साइको लगता है मुझे लिटरली। नजर मार लिया, यहाँ सबके गले खा लिया। बोलो क्या करना है? रात तक यहीं रुकते हैं। बाल काटेगा? इस दिमाग के पैदल की वजह से किसी दिन मेरा विकेट जाएगा। सब लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रहे थे, और फिर वो सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था। बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे, और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहाँ पर आया, और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई, और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था, तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चला दी। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? वहाँ जहाँ पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहाँ। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम मचा रहे हैं बस। लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ से उसे आसानी से मार सकते हो। खाली 300 रुपए निकले, और ये फोन मिला है भाई। ए, जा बड़ा शिकार ढूंढ। और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है,
तुम चुपके से वहां से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? पिक्चर योरसेल्फ। मैं तो वहीं पे सो जाऊंगी। तुम वहीं सो जाओगी? सिद्धू कल सुबह स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। रुको ना माँ, दो मिनट। मैं तो फटाफट वहां से निकल जाऊंगा और बैकअप के लिए और पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन इतनी देर में तो सीरियल किलर और मासूम लोगों की जान ले ली। तो मैं वो गन पुलिस वाले को दूंगा और उनसे कहूंगा यहाँ से क्लियर शॉट है, मार दो। पुलिस वाले की फटी पड़ी है बे, वो कैसे गोली चला सकता है? पिक्चर योरसेल्फ। नंबर क्या? अब ये दुख देगी। हेलो, तू रुक, ले पकड़। ए, एटीएम का पिन बताने बोल, वरना मैं इसे मार दूंगा। हाँ तू बोल। पुलिस, पुलिस यहाँ क्यों आई है? कान फाड़ेगी क्या? एटीएम का पिन दे। पिन नंबर। नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पिन नंबर। तो मैं खुद उसे मार दूंगा। ये लिटरली साइको ही है बंदा। गोली चलाई तो तुम भी खूनी कहलाओगे, ये कानून के खिलाफ है। एक और तरीका है। पिक्चर योरसेल्फ। गोली क्यों मारी? और ये बंदूक कहां से आई? पेन नंबर। पेन नंबर। मैं नहीं जानता और क्या कर सकते हैं पापा। देखो, हम जो भी रास्ता लें उसमें खून तो बहेगा ही। अब एक रास्ते पर मासूमों का होगा और एक पर गुनेगार का, तो गुनेगार ही सही। सिद्धू जाओ, बोला ना जाके सो जाओ, देर हो गई है। चलो सिंटू। एक ही ऑप्शन है, उसे मारना पड़ेगा। अभी तक यही सोच रहा था वो पिक्चर योरसेल्फ वाली कहानी है ना, उसके सीरियल के लगो। कहानी भी अटका। मैंने कहा ना, तू गोली चलाएगा तो तू भी खूनी कहलाएगा। उसके बाद तुझे जेल होगी, रात को नींद नहीं आएगी, चलेगा तुझे? मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैंने बुराई को खत्म किया है और मैंने मासूमों की जान भी तो बचाई है। और मैं लकी रहा तो मुझे मेडल भी मिलेगा, क्यों होना मैं स्मार्ट। गाड़ी में बैठ। मीटिंग चल रही थी क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये मुहूर्त कितने बजे का? चिंटू को छोड़ के हम आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने इसको क्या सोचने को बोला था? अरे, राइटर बनने की सोच रहा है। आप दोनों साइन कीजिए। आप दोनों विटनेस हैं, आइए साइन कीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बाद में मिलता हूँ। हाँ, मिलता हूँ। ए, जब बोलूंगा तो हाथ रखना। रख ले, रख ले। ख्याल रखना इसका। बाय। आपको कहाँ छोड़ूं मैडम? दरअसल मुझे रिकॉर्ड रूम में कुछ काम है तो मैं यहीं रुकूंगी। आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? तुम दोबारा मेरे बच्चों के साथ ना ऐसे फालतू गेम मत खेलना, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? लाओ फोन दो। ब्राउजर हिस्ट्री चेक करो। ब्राउजर हिस्ट्री मेरी है उसकी? उसकी। How to hunt, how to kill a deer, how to kill a hyena, how to get successful in life. मजाक लग रहा है तुम्हें? नहीं पापा, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। किसने सिखाया उसे ये सब? तुम्हारी वजह से ना। अच्छा, ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ,
हॉर्न्ड आउल जोशी, ये बेचारे वैसे ही दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसे कहां से पकड़ लिया भाई? सर, ऑस्ट्रेलिया का उल्लू है ये, मैं सब जानता हूँ सर। फेंक रहा है ये ढूंढा एक रख के। कब से कर रहा है ये सब धंधे? और कितने हैं तुम्हारे पास? सर सिर्फ यही है सर, गुलेल से इस पे निशाना लगाया और ये घूमता हुआ नीचे आ गिरा। जोशी, ब्लू क्रॉस को इन्फॉर्म करो इसका इलाज करना होगा, और अपने वेटरनरी डॉक्टर को यहाँ फौरन बुला लो। वो अब नहीं रहे। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, वो कल रात एक कार एक्सीडेंट में मारे गए ऑन द स्पॉट। आई थिंक कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। हाँ क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, कार एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर। प्लान मर्डर था उस डॉक्टर का। मर्डर? कैसे पता? उसे गोली मारी गई, फोरेंसिक से अभी पता चला। हमारे शहर में मर्डर? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। समझ में नहीं आ रहा जोशी, 20 साल से मैं शहर में हूँ लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी सुना ही नहीं है। ऐसे खुलेआम गन लेके कौन घूम रहा है? अरे पार्थिपन, तुम इतना परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। मैं जरा जाकर चेक करता हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? स्ट्रेचर यहाँ लेकर आओ। सो गाइस, ये था सीन, और लिटरली मतलब ये मूवी अभी तक जितनी हमने एक साथ में देखी, वैसे तो ये मूवी मतलब ये पूरी मूवी मेरे देखी हुई है, लेकिन फिर से इसको देखना लिटरली हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया देखने को मिल रहा है। और इस वाले सीन के अंदर मतलब पूरा एक फैमिली मैन किस टाइप का होता है, अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चलना, इतने ज्यादा क्यूट मतलब जो पल थे, जो मोमेंट इस पूरे वीडियो में दिखाए गए, वो काफी अच्छे लग रहे थे। लेकिन जब ये वीडियो खत्म होने लगा, ये सीन खत्म होने लगा, उस टाइम उन्होंने बहुत कुछ सस्पेंस अब अगले सीन के लिए छोड़ दिया है कि अब ये क्या करेंगे, और मतलब उस जो मतलब जो वेटरनरी डॉक्टर है उसको क्यों मारा, वो क्यों चोरियां कर रहे हैं, वो हिमाचल में क्या कर रहे हैं बंदे वो गुंडे, तो वो सब हमें आगे वाले मतलब आने वाले सीन में पता लग ही जाएगा। बाकी ये वाला सीन भी आउटस्टैंडिंग था, इतना अच्छा लग रहा था ना स्टार्ट से लेके। बहुत ही ज्यादा क्यूट मेमोरीज, या फिर हम बोल सकते हैं क्यूट, बहुत ही ज्यादा क्यूट मोमेंट्स दिखा देते हैं उनकी फैमिली के, वो एक परफेक्ट फैमिली मैन दिखाए। लेकिन जिस तरह वो अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगा कि बच्चों को कहानियों के थ्रू गाइड कर रहे हैं कि आप क्या करोगे, आप कहाँ पे सही हो सकते हो, कहाँ गलत हो सकते हो। और सच में थलापति विजय सर इतने ज्यादा कमाल लग रहे हैं ना, उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा कमाल है ना। और अब देखते हैं कि आगे आने वाले सीन में और क्या दिखाएंगे। थलापति विजय सर भी अब इन्वॉल्व हो ही चुके हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली स्टोरी, तो अगले पार्ट का वेट जरूर करना। और वो पार्ट मतलब काफी खतरनाक आने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि उस पार्ट में थलापति विजय का हमें एक्शन देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं लिटरली वापस से उसको देखने मतलब देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप मुझे मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीन कैसा लगा। सो गाइस, अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं ही बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।